ग्यारहवें ज्योतिलिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने तथा पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के उखीमठ से धाम रवाना होने की तिथि आज घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा संपन्न की जाएगी तथा 21 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली उखीमठ से धाम के लिए रवाना होगी। साथ ही विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। जो भारतवर्ष के दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से केदारनाथ दिव्य श्रृंखला पे दिव्य उपनता गांव पे स्थित वह दिव्य केदार ज्योतिर्लिंग जो कि सबसे दिव्य शिखर पर विराजमान है, मेरु सुमेरु की तलहटी पर विराजमान है, मंदाकिनी के किनारे पर विद्यमान है। कहते हैं नर नारायण व्यास में जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, पावन ज्योतिर्लिंग है, केदारेश्वर है। और आज शिवरात्रि के महापर्व पर सर्वप्रथम में भारत के सभी संतों को, शिव के भक्तों को शिवरात्रि की महापुण्य वेला पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस तिथि का, इस महापर्व का और इतना ज़्यादा ये हो जाता है, इसका मैंने महत्व बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन महादेव श्री केदारेश्वर जी के कपाट खुलने की तिथि तय होती है और वह तिथि आज तय हो गई है। 25 अप्रैल को 6 बजे 6:30 बजे तक भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले जाएंगे।